हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनबॉक्सिंग टेक्नोलॉजी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास MIUI का सेलफोन है और वो आपके लैपटॉप से वाया USB के थ्रू अगर कनेक्ट नहीं हो रहा तो उसका क्या स्पेसिफिक रीज़न होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग्स के अंदर और हमें जाना है सबसे ऊपर अबाउट फ़ोन में। MIUI वर्जन पे दो बार क्लिक करेंगे तो मेरा ऑलरेडी डेवलपर ऑप्शन खुला हुआ है, इसकी वजह से वो पॉपअप दिखा रहा है यू आर ऑलरेडी डेवलपर। बैक चले जाते हैं, सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है एडिशनल सेटिंग, वहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ उसके नीचे जाने के बाद हमें क्लिक करना है डेवलपर ऑप्शन, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा डिफ़ॉल्ट USB कॉन्फ़िगरेशंस, तो वहाँ हमें जाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट USB कॉन्फ़िगरेशंस, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ दिखा रहा है फाइल ट्रांसफ़र, USB थ्रेडिंग, MIDI ट्रांसफ़र, फ़ोटोज़, नो डेटा ट्रांसफ़र, ऐसे जो भी ये फीचर्स आते हैं वो सारे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम USB को लैपटॉप से कनेक्ट कर देते हैं और फिर हम कनेक्ट करते हैं सेलफोन को। तो ये मेरा पॉपअप ऑटोमेटिक आ चुका है, ठीक है। नो ट्रांसफ़र, नो डेटा ट्रांसफ़र में क्या होता है, ओनली चार्जिंग होती है, वो तो USB ने रिकग्नाइज कर दिया है कि ये लैपटॉप से कनेक्ट है, इसकी वजह से ये कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो मेरा फाइल ट्रांसफ़र ऑटोमेटिक आ गया, पर जनरली कभी कभार नहीं आता है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। जैसे ये पॉपअप आया ही नहीं मेरे को और मैंने USB कनेक्ट कर दिया, तो आपको इसके अंदर इसी तरीके से जाके USB कॉन्फ़िगरेशन तक आना है और यहाँ पर देखिए फाइल ट्रांसफ़र पर क्लिक करूँगा तो वो फाइल ट्रांसफ़र आ जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। गो टू दिस PC, ये देखिए अभी ये मेरा फ़ोन आया हुआ है नोट 5 प्रो और ये यूज़ करने के लायक है, मतलब आपका सेलफ़ोन कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आपका सेलफ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप USB कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके आप सही कर सकते हो और डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट गाइज। थैंक यू गाइज।